ये प्याज मैंने ये यखनी बनाई थी ना आपके सामने, तो ये यखनी तो तैयार हो गई है। अब मैं इसका भगाल लगा रही हूँ, पुलाव का भगाल लगा रही हूँ, और जो इसमें गरम मसाला वगैरह सब जो भी है ना वो सब इसमें जाएगा। लहसुन अदरक हैगा ये निकाला हुआ मैंने, इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये देखो ऑयल डाल रहे हैं। चावल आप कोई भी ले ले, छोटा ले ले, बड़ा ले ले, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो अपने हिसाब से बनाती हूँ ना, जो मेरा बजट है। ये देखिए प्याज का भगाल लग रहा है इसमें, पहले प्याज फ्राई होगी। इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, ये सब लिया हुआ मैंने यहाँ पर। ये कुर्बानी की गोश्त का पुलाव है। इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, पिसा धनिया डालेगा, कुटी मिर्च डालेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं डालेगा, बाकी वो काफ़ी है जो डालते हैं सामान। फ्राई करनी है, लाल कर ले इसको, जरा फ्राई करनी, थोड़ी सी लाल होती है। पानी चढ़ा लो, प्याज फ्राई हो रही है, देखो लाल हो रही है, ये लाल हो गई है, जलानी नहीं है इसको, इसको जलाना नहीं है। ये देखो साफ पत्ता डाल दी, गरम मसाला वगैरह सब इसी में ऐड आ जाएगा, और गरम मसाला डालने की जरूरत नहीं है।
ज़्यादा गर्म मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें हमने यखनी में डाला था मैंने वही डाला। ये आधा चम्मच ये मैं पिसा धनिया डाल रही हूँ, आधा चम्मच तकरीबन मैंने पिसा धनिया डाल दिया। अलग अलग तरीके हैं बनाने का, हम अपने देसी तरीके से बनाते हैं। इसमें थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल दी मैंने, इसमें थोड़ी सी कुटी मिर्च ऐड कर दी, ठीक है ना। बाकी टमाटर वगैरह ये सब डाल देंगे। इसमें टमाटर डालना है, देखो सारा ही डाल रहे टमाटर, आधा ही खाइए मेरे पास अभी। और ये हरी मिर्चें भी इसमें बीच में से काट के और ये डाल दो। अब इसमें जब चावल डालना हो आप डाल दिए, ठीक है। मैं जब बच्चों के लिए गर्म बनाती हूँ, चावल डालना होगा मैं जब ही डालूँगी जब खाएंगे ये लोग, तो ये ना ये देखें तो हरी मिर्चें हो गई। ये देखिए इसमें फ्राई हो रहा है। तो भूनना है अब, इसके बाद यखनी का पानी डाल दें। इसमें गरम मसाला वगैरह जो आता जाए ना आने दीजिएगा, इसी का ही मज़ा होता है। सब चीज़ें डल गई, गोश्त वगैरह ये सब जो रह गया था वो भी डाल दिया बाकी का। ये अब पक रहा है, ये इसको पकेगा थोड़ा सा, ठीक है। बाकी जब चावल डालूंगी तो वो आपको पता ही है कि चावल जब डालेंगे तो खाना। अस्सलाम वालेकुम पैनल, आज भी मेरे पास गोश्त आया है कुर्बानी का, तो ये मैं यखनी बना रही हूँ, पुलाव बनाऊंगी मैं इसका। ये यखनी पढ़ा रही हूँ मैं, इसका बनेगा पुलाव। आप भी आप ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। आप लोग पूड़ी पोटली बना के डालते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, पोटली बनाए मैं ऐसे डाल लूँगी। देखिए एक चम्मच ये साबुत धनिया डालूंगा, पोटली बना के डालना चाहे पोटली बना। ये देखिए सौंफ डाल दी, एक एक चम्मच में सब डाल दूंगी। अच्छा प्यारे, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबको भी मुबारक हमारी तरफ से और हमारे बच्चों की तरफ से। ये देखिए शाही जीरा के साथ गरम मसाला डाल दिया मैंने। अब ये तेजपात के पत्ते डाल देंगे, ये देखें। और इसमें बादियान के फूल डाल दें, ये देखो बादियान के फूल टूटे हुए हैं, थोड़े से डाल दें बस, ठीक है। अब इसके अंदर प्याज, साबुत, लहसुन, ये लहसुन डाल देंगे धो के।
ये लहसुन डाल दिया है देखो। अब इसमें प्याज डाल लेंगे, अगर अदरक भी है तो अदरक डाल दें, वरना खाली प्याज डाल दें। अदरक लहसुन तो वैसे ही चावलों में डालेंगे तो वो उसमें ही हो जाएगा मस्त, तो जरूरी नहीं है कि अभी डाल दें आप अदरक। ठीक है तो डाल दें, नहीं है तो रहने दें। बघार में वैसे ही लहसुन अदरक डलता ही है। अच्छा ये प्याज छील लिए मैंने, ये देखिए दो चार टुकड़ों में करके आराम, क्योंकि मेरा थोड़ा है इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला है। ठीक है ना प्यारे, अब ये पकने में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा पकने में। ठीक है